सनसनीखेज खबर सामने आ रही महाराष्ट्र के पुणे शहर से, जहां एक इंजीनियरिंग की छात्रा के दोस्त ने ही अपहरण कर गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक छात्रा की पहचान 22 साल की भाग्यश्री सुड़े के रूप में हुई है। इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में पढ़ रही लड़की की हत्या और किडनैपिंग के मामले में पुलिस ने उसके कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कॉलेज के दोस्तों ने पहले 22 साल की भाग्यश्री का अपहरण किया, फिर कार में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसके परिजनों से 9 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। आपको बता दें कि लड़की 30 मार्च के दिन फिनिक्स मॉल के पास से लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अपहरण के बाद कार में गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। इसके बाद शव को अहमदनगर के पास एक खुली जगह पर दफना दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपहरण का नाटक कर उसके पिता से 9 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। आरोपियों ने इसके लिए भाग्यश्री का मोबाइल फोन इस्तेमाल किया और उसी के बैंक खाते में रुपए भेजने को कहा। पुलिस ने इस नंबर को ट्रैक किया और फिर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता पाई। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर लड़की का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंजीनियरिंग छात्रा के हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवम फुलवाले, सागर जाधव और सुरेश इंदौर के रूप में हुई है। ये तीनों महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के रहने वाले हैं। लड़की पुणे में स्थित एक प्रसिद्ध कॉलेज में बीई कंप्यूटर की पढ़ाई कर रही थी। शिवम भी उसके कॉलेज में आईटी तीसरी वर्ष में पढ़ रहा था, जबकि सागर जाधव और सुरेश इंदौर उसके दोस्त हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मॉल में बुला के उसका किडनैपिंग किया गया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी पुलिस को मिली है। जिस दिन उसको किडनैप किया गया है उसी दिन उसका मर्डर करके उसका बॉडी डिस्पोज नगर रोड पे की गई है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में वो जगह जाके देखी जो एक्यूज ने दिखाया, तो वहाँ पे उसकी बॉडी मिली है। प्रेमा फिशर लड़की को किडनैप करके 30 तारीख को ही उसका मर्डर किया गया है और उसके बाद में उससे घर वालों से रैंसम की डिमांड करके पैसे वसूल करने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन में 3 एक्यूज को अरेस्ट किया है, जिसमें से एक एक्यूज उसी के कॉलेज का पढ़ने वाला लड़का है जो उसी के एरिया में रहता है। तो उसकी उस लड़के के साथ पहचान थी और इस पहचान का फ़ायदा लेके इस आरोपी ने लड़की को फिनिक्स मॉल के पास बुलाया, वहाँ से यहीं पर ड्रॉप करने के बहाने से उसको गाड़ी में बिठा के वो उसको किडनैप करके ले गया।